सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत है आप सभी का नए फ्रेश वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ यहाँ आप सभी के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं कहूँगा मैं, लेटेस्ट बातचीत। तो यहाँ बात हो रही है अभी मैंने जो रिसेंटली अनबॉक्सिंग की उसके बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ बात हो रही है अभी मैंने जो रिसेंटली अनबॉक्सिंग की थी या जो रिव्यू कह सकते हैं आप, वो किया था एक कैमरे का, उसके बारे में। वो कैमरा मैं काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे घर में भी वो यूज़ हो रहा है, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ उसके जो फीचर्स हैं वो। तो जैसे कि मैं ये कैमरा काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा कैमरा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर आपको शो हो रहा होगा तो ये हमेशा मेरे को इंडिकेट्स करता है अगर कोई मोशन, मतलब अगर कोई चीज़ मैं उठा रहा हूँ या कोई चीज़ कोई आ रहा है या जा रहा है उसके बारे में अलर्ट देता है। और इसके द्वारा आप, मतलब इसके साथ आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके फ़ोन के अंदर ही सब कुछ होगा इसका, और जो क्लाउड स्टोरेज है वहाँ स्टोर होती रहेगी, मेमोरी कार्ड में स्टोर होती रहेगी आपकी जो वीडियोस है वो आप डिलीट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और जो मोशंस है वो आपको दिखते रहेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से एक सेकेंड, तो आप अगर MI होम की एप्लीकेशन आपको एक डालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से प्रोसेस बताता हूँ, ये मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले आपको कैमरे में क्या करना है, एक फ़ोन लेके अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डालनी है MI होम, फिर उसको कनेक्ट करना है अपने कैमरे से। पहले होगा वाईफाई से कनेक्ट, फिर होगा आपका फ़ोन आपके कैमरे से कनेक्ट, या आपका कैमरा आपके फ़ोन से कनेक्ट, जो भी आपको सिंपल लगे, मतलब बात तो एक ही है वैसे। हाँ, तो कैमरे को फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद आपको जो सेटिंग्स होगी वो सब करनी है, वहाँ लिखी आ जाएगी प्रॉपरली कि आपको कहाँ वो करना है, उसको फिक्स कैमरे को वो डाल दीजिए, लोकेशन बेडरूम है, किचन है, हाँ मर्जी आप उसको फिक्स करना चाहते हैं वो लोकेशन डाल दीजिए। इसकी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स इसके ये है, सबसे पहला बेनिफिट, इसके अंदर डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, और जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसका। अगर लाइट्स वगैरह बिल्कुल ऑफ है, अंधेरा है पूरा, तब भी नाइट, मतलब लाइट्स जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी दिखाई देती है, मतलब प्रॉपरली आप पहचान सकते हैं कि कौन आया और कौन गया। और जो दूसरी चीज़ है वो अलर्ट, इसके जो मेरे पे मैसेज आ जाते हैं अगर कोई मोशन, मतलब कोई आया है रूम के अंदर या कोई आया था रूम के अंदर या जो भी है, और अगर कोई चीज़ कोई उठा रहा है तो, मतलब जो भी चीज़ें होगी मोशंस की, उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगी, और मैं जब मर्जी अपने फ़ोन से चेक कर सकता हूँ कौन सी वीडियो मुझे देखनी है, किस टाइम की मेरे को वीडियो देखनी है, कि भाई यहाँ कोई आया था या नहीं आया था, वो मैं प्रॉपरली चेक कर सकता हूँ। और उसके बाद की बात, इसकी और बेनिफिट्स ये है कि इसका जो वाइड एंगल लेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी एरिया कवर कर लेता है उसकी मदद से, आप मतलब 180 रेजोल्यूशन तक देख सकते हैं उसमें। अगर बात करें तो, मतलब अगर ये रूम है, ये पूरा रूम आप लगभग देख ही सकते हैं अगर एक साइड से देखना चाहे तो। तो ये बेनिफिट्स है इसके। अब मैं बताता हूँ इसके जो मेरे को नहीं लगे अच्छे, वो ये है, इसको ऑलवेज आपको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा वाईफाई से, ये मेरे को अच्छा लगा। और ये बैटरी पे नहीं चलता, ये मतलब आपके पॉइंट से, मतलब चार्जिंग टाइप लगा लीजिए या ऑलवेज ऑन रहता है, तो एक तरह से पावर सप्लाई लगा लीजिए, पावर मिलती रहनी चाहिए, उससे चलता है ये। और तीसरी चीज़ ये है, अगर आपका फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा तभी आपको दिखेगा कि इसकी क्या क्या वीडियोज़ है। अगर आपका फ़ोन मोड पर होगा, मतलब ऑनलाइन चल रहा होगा नेट से, तो उसमें आपको नहीं पता चलेगा कि क्या क्या आपने वीडियो स्टोर कर रखी है। उसमें सिर्फ आपको अलर्ट तो आएगी, अलर्ट आप देख सकते हैं जाके, मगर आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको वाईफाई से कनेक्ट रखना पड़ेगा। तो ये बात भी है, इसके वजह से क्लाउड स्टोरेज पे जो सेव होता है डाटा, वो उसके बेनिफिट्स है। तो ये दो चीज़ें तो मेरे को लगी बहुत ज़्यादा ख़राब इसकी, जो एक तो पावर सप्लाई हुआ है और एक वाईफाई से कनेक्ट करके रखना पड़ता है, और तीसरी चीज़ भी मैंने बताई आपको, जो फ़ोन से अगर आप देखना चाहते हैं तो तभी देख पाएंगे पूरी वीडियो, अगर आपके वाईफाई से कनेक्ट है, नहीं तो आप छोटी छोटी क्लिप देख सकते हैं जो आपके पास अलर्ट आएगा उसकी। और बाकी चीज़ों की बात करें, इसमें एक और फीचर है उसके, अगर देखिए बेनिफिट भी है और नहीं भी है। बेनिफिट ये है, अगर आपका वाईफाई से कनेक्ट होगा तभी आप उसके साथ मिलके, मतलब आप बोल सकते हैं, उसके अंदर जो स्पीकर इनबिल्ट है उससे आप बोल सकते हैं, अगर आप कहीं हैं तो घर के आसपास, तो आप अनाउंसमेंट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो उससे बोल सकते हैं, ये बेनिफिट है। और इसका नुकसान ये है कि वाईफाई से कनेक्ट होगा तभी चलेगा, तो ये बात भी थोड़ी है। और अगर ज़्यादा कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हुई, मतलब आपको लगा कि ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, ज़्यादा
कुछ हो रहा है तो इसमें जो AI टेक्नोलॉजी है उससे पता चल जाएगा कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है, तो ये अपने आप अलर्ट दे देगा और आपके पास मैसेज, नोटिफिकेशन या जो भी है वो साइलेंट वगैरह कुछ ना कुछ तो एक्शन वो लेगा ही, क्योंकि पहले ऐसा 2-3 बार हो चुका है। अगर कोई मोशन ज़्यादा ही हो रहा है तो अलर्ट दे देगा एक बार कि भी ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। और ये छोटी छोटी जो क्लिप्स बना के देता है ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसकी। अगर आप ये यूज़ करने वाले हैं, ये यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले बताऊँ, आपको एक तो चाहिए प्रॉपर एरिया जहाँ से आपका स्विच बोर्ड पास में होगा, दूसरा वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए ऑलवेज, और तीसरी मेन बात आपको फ़ोन में भी डालना पड़ेगा वही एप्लीकेशन, क्योंकि दूसरे जो आपके सिक्योरिटी कैमराज होते होंगे वो आपके डाटा स्टोर रहते हैं हार्ड ड्राइव में या उसमें, इसमें मेमोरी कार्ड डलता है उसमें डाटा स्टोर रहेगा और थोड़ा बहुत डाटा जो क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होगा। तो होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले भाई कैमरा ये क्या है, क्या खासियत है इस कैमरे में, क्या क्या बेनिफिट्स है इस कैमरे को लेने में। मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट इसका ये लगा, दो बेनिफिट मेरे को इसके लगे, एक तो जो मैंने आपको बताया कि ये नोटिफिकेशन बताता है अगर कोई आया है या गया है, और इसकी क्वालिटी नाइट मोड में भी काफ़ी अच्छा मतलब बेनिफिट देता है। तो होप अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। तो चलता हूँ मैं, टाटा बाय बाय सायनारा, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसे लेते रहो फ्रेश बातें फ्रेश न्यूज़, बाय बाय।